निकलता है। अच्छा, पानी का क्या समस्या है यहाँ मंडई कला में? बोरिंग करते हैं, पानी नहीं निकलता है। मतलब खर्चा भी कीजिए, पानी नहीं निकलता? नहीं निकलता है, हम लोग के बहुत दिक्कत है पानी के। पानी दे रहे थे हम लोग के जान बच रहा है, नहीं देता पानी तो हम लोग मर ले रहते। हजारीबाग सदर में पड़ने वाला एक ऐसा क्षेत्र जहां 20,000 प्लस वोटर्स है, पठारी क्षेत्र है। इस वजह से पानी की समस्या मार्च के महीने से ही उसकी शुरुआत हो जाती है। जोहार, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम अपराजिता पांडे है और आप देख रहे हैं हजारीबाग अपडेट। छोटे नाम के ये व्यक्ति हमारे साथ है और ये कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, अपना अच्छा खासा बिजनेस है। लेकिन नियति देखिए कि इनके पिता से इनमें वो सेवा का भाव आया है जिस वजह से ये पानी का टैंक देख रहे हैं। ये प्रतिदिन ड्राइवर आए या ना आए, खुद से ड्राइव करके आते हैं और यहाँ पे लोगों को पानी का सुविधा मंडई कला में देते हैं। मंडई कला में चूंकि पठारी इलाका होने की वजह से करबला से लेकर उर्दू स्कूल और उसके आसपास के क्षेत्रों में पानी की बेहद समस्या होती है। सबसे पहले हम लोग कुछ लोगों से यहाँ पे बातचीत करेंगे और उसके बाद छोटे जी से भी मुखातिब होंगे। अजय जी, रोज आते हैं पानी लेके? हाँ, डेली आता सर, रोज डेली। हाँ, कितना आशीर्वाद देते हैं? बहुत आशीर्वाद देते हैं। पानी का यहाँ सुनते बहुत समस्या है। बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है जी। यहाँ दिक्कत ना रहता था, इतना पानी के देखो कितना भीड़ लगा रहते। अच्छा, ये क्या प्रतिदिन आते हैं क्या पानी देने के? पानी डेली आते हैं। मेरा नाम शकील अख्तर हुआ। पानी डेली ला के देते हैं, बहुत यहाँ पर पानी का दिक्कत हो गया। माह से यहाँ पानी की असुविधा होने लगती है जी? मार्च महीने से सुनते? हाँ, मार्च से पूरा जून तक रहते हैं। मार्च से ये छोटे भाई रोज आते हैं? हाँ, रोज आते हैं, सुबह भी शाम में भी। दो टाइम? हाँ, दो टाइम आते हैं लेकर के, दो टाइम लेकर के आते हैं। ये कहीं और की तस्वीर नहीं है, आपके अपने हजारीबाग की तस्वीर है। हजारीबाग सदर से, सदर के अंदर ये आता है मंडई कला। और अब छोटे भाई से हम लोग बात करेंगे। छोटे भाई उर्फ आफताब रजा, कितना अच्छा लगता है, इतना लोगों का प्यार मिलता है। लेकिन पसीने में भीगते हुए छोटे उर्फ आफताब जी आते हैं खुद से ड्राइविंग करके पानी लेकर के, ड्राइवर आए या ना आए। मैम, एक तो गार्जियन मेरे शुरू से गांव के, जो मेरे फादर हैं लाल खान साहब, गांव के सदर रहे हैं काफ़ी, दो टर्न काफ़ी, करीब करीब 10-15 साल रहे हैं वो गांव की सेवा में। तो उसी से प्रेरणा मिली मैम कि मतलब इस सेवा भाव के हिसाब से किसी के लिए कुछ ऐसा कीजिए कि थोड़ा सा मन में खुशी हो। और मैम, एक जगह ऐसा बोरिंग हुआ कि जहाँ पर पानी काफ़ी अवेलेबल निकला मैम, काफ़ी पानी निकला। बोरिंग किन्होंने कराया? बोरिंग में ही मैं। आपने ही कराया? आपने ही कराया। तो और कंस्ट्रक्शन लाइन से भी जुड़े हुए हैं, तो लगा कि लोगों को थोड़ा जहाँ जहाँ पानी का दिक्कत है तो वो पूरा करना चाहिए। तो बड़ी खुशी मिलती है मैम। बहुत प्रतिदिन क्या टाइमिंग है आपका यहाँ पे? सुबह 5 बजे भोर से लेकर के रात के 10 बजे तक। कभी भी जरूरत पड़ा किसी? कभी भी, फोन का नंबर दिया हुआ है, जहाँ फोन किया तुरंत पानी वहाँ पहुँच रहा है, तुरंत तुरंत लेकर। आप भी यही गए? यही गए। मैं जावेद अख्तर हूँ, छोटे आफ्ताब राजा, गांव के मोहल्ला के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं ये। जिस टाइम भी फोन करते हैं पानी लेके, ये आ जाते हैं 10 बजे रात, 12 बजे रात, डिलीवर नहीं रहता था अपने चला के गाड़ी आ जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, गरीबों को बहुत मदद कर रहे हैं। अच्छा, आपको बता दूं मैं कि ये मिली जुली आबादी वाला इलाका है, यानी कि मुस्लिम हिंदू सभी भाई बहन यहाँ मिलजुल के रहते हैं। और ऐसे में एक फोन कॉल पे छोटे भाई पानी लेकर के आ जाते हैं। परिवार वालों का कितना सपोर्ट मिलता है इसमें? मैम, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। वो बोलते हैं कि आप जो है सो मतलब अगर ऐसा है पानी के अवेलेबल है तो लोगों में आप पानी दीजिए, वो बोलते हैं। वो बोलते हैं, घर में भी बोलते हैं, सपोर्ट मिलते हैं घर से भी। कितना अच्छा लगता है इस तरह से, लोग क्या बोलते हैं आपको? यहाँ किस नाम से फेमस हैं आप? देखते हैं मैम, छोटे नाम से लोग ज़्यादा फेमस हैं मैम, शुरू से छोटे नाम से ज़्यादा लोग फेमस हैं। और लोगों को देखते हैं, लेडीज़ लोग बहुत दूर दूर से पानी लगते हैं, इन लोग को बहुत आराम हो गया मैम जब से। कितना दूर से पानी इन लोगों को लाना पड़ता है नल कल सूख जाने के बाद? बहुत दूर, मतलब 1.5 किलो 2 किलोमीटर की दूरी, उतना दूरी से, बहुत दूरी से मतलब लाना पड़ता है पानी इन लोग को। तो ये तो जहाँ तक हम अपने माध्यम से कोशिश कर रहे हैं मैम कि जितना हो सके करते हैं, और उसमें अगर सरकार का योगदान अगर बहुत अच्छा रहा है, एक वो अभी पाइप का एक कनेक्शन आया है मैम, अगर वो सरकार अगर उसको जल्द से जल्द चालू करवा दे मैम तो लोगों को बहुत राहत है मैम, बहुत राहत है और थोड़ी मेरी परेशानी कम हो जाएगी। फिर किसी और नेक काम में फिर दिल लगाएंगे, कहीं और फिर जहाँ दिक्कत होगा फिर उधर जाएंगे। चलिए, यहाँ कुछ और लोगों से हम लोग बातचीत जरूर करेंगे, यहाँ कुछ और महिलाएं उनसे बातचीत हम लोग करेंगे। अरे भाभी मुस्कुरा रही हैं। अच्छा, ये भैया रोज आते हैं पानी लेके? डेली आता है। क्या नाम है आपका? किरण देवी। अच्छा, ये रोज आते हैं पानी लेके? डेली आता है पानी। अच्छा, कभी जैसे पानी का कमी हो जाता है चाची तो फोन घुमा देते हैं भैया को तो आ जाते हैं? हाँ,
दोनों टाइम पानी देते हैं, और फिर पर डे कभी नागा नहीं होता है। अच्छा, पानी का क्या समस्या है यहाँ मंडई कला में? बोरिंग करते पानी नहीं निकलता है, मतलब खर्चा भी कीजिए पानी नहीं निकलता, नहीं निकलता है। हम लोग के बहुत दिक्कत है पानी के, पानी दे रहे थे हम लोग के जान बच रहा है, नहीं देता पानी तो हम लोग मर ले रहते। अच्छा, क्या मांग करते हैं? अभी सुनने में आया है पाइपलाइन भी बिछाया जा रहा है पानी वाला, तो पानी आ जाएगा तो राहत हो जाएगा कुछ? हाँ, राहत होगा जब आ जाएगा पानी। तो क्या मांग करते हैं? पानी मांग करते हैं, राशन मांग करते हैं, जो भूखा मरते हैं। है? है? क्या नाम हुआ आपका? शकीला खातून। चलिए, यहाँ देख रहे हैं आप तस्वीरों में, पानी दे देते हैं, घटता है तो। हाँ जी, कॉल जैसे करते हैं बीच में घटता, फिर बीच में भी पानी देते हैं। नेक इंसान लग रहे हैं। हाँ, तो प्रतिदिन हमारी खुद की जिम्मेदारी हमसे नहीं संभलती, और यहाँ कई लोगों का बेड़ा उठा के हर गर्मी में छोटे भाई रखते हैं। यहाँ देखेंगे आप तस्वीरों में किस तरह महिलाएं पुरुष अपने अपने घरों के लिए बाल्टियों में तसले में पानी भर रहे हैं, और ऐसे में जो है ये रोज का जो है इनके लाइफ में शुमार है। यहाँ से फोन कॉल भी जाता है, तो ये फोन एक कॉल पर आते हैं, और खुद से भी ड्राइवर रहे ना रहे, खुद से भी जो है ये ड्राइविंग करके आते हैं। क्या बोल रहे हैं? बिजली की भी समस्या? बिजली समस्या है, बहुत है ज्यादा, इसलिए छोटे भाई अल्ताप राजा बहुत मदद कर रहे हैं। अभी लाइन उन पूरा यहाँ कटा हुआ है 3 दिन से, उसके लिए तुरंत पानी ला के दे रहे हैं, पहुँचा रहे हैं, बहुत मदद कर रहे हैं। अच्छा, मतलब जैसे मोटर उटर नहीं चलता है जिनके घर पे? क्या इधर लाइन कटा हुआ है, ये एक ट्रांसफार्मर उड़ा हुआ है, रोड मोहल्ला मंडे है, उर्दू स्कूल के सामने इधर है ट्रांसफार्मर उड़ा हुआ, इधर हाल में बिजली कड़की उस वजह से, उसकी वजह से जी, उसकी वजह से ले बहुत परेशानी हो रही लाइन की दिक्कत, फिर भी अपने जान पर खेल करके पानी पूरा पहुंचा रहे गरीबों। धन्यवाद, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम तो यही दुआ करेंगे ऐसे नेक दिल इंसान सबको ही हो, हम भी बने, सबको ही बने। और हमारे जो दर्शक बन रहे हैं, क्या कहते हैं छोटे भाई के विषय में, कमेंट करके जरूर बताएं, और बहुत बहुत शुक्रिया आपको मैम। शुक्रिया मैम, थैंक यू मैम, शुक्रिया। तो आप देख रहे थे हजारीबाग अपडेट्स, और हजारीबाग अपडेट्स के हजारीबाग के सदर के क्षेत्र में मंडई कला आता है। 20,000 प्लस वोटर्स हैं, और मैं आपको बता दूं पठारी क्षेत्र होने की वजह से मार्च के महीने में ही सूखे की स्थिति उत्पन्न होने लगती है, और ऐसे में जो है जो छोटे भाई हैं उनके सौजन्य से, जिनका आफ्ताब रजा भी नाम है, इस तरह से प्रतिदिन 2 बार तो मिनिमम ये आते ही आते हैं पानी के टैंकर लेकर के। आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।